हेलो गाइस, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है एसएमडी के अकाउंट में और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज के वाले इस वीडियो में आप लोग जानने वाले एप्पल लैपटॉप मूवमेंट के बारे में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो एप्पल लैपटॉप मूवमेंट के बारे में और कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ऐसा ट्यूटोरियल दूंगा। और क्योंकि इस वीडियो में जानने वाला हूँ हाउ टू डू दिस मूवमेंट, कैसे आप इस मूवमेंट को कर सकते हो और करेक्ट सिचुएशन क्या है, कौन से सिचुएशन में कैसे इस टेक्निक को यूज़ करना है। और हाँ गाइस, बहुत से लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब जाना चाहते एक तरफ चले जाते हैं दूसरी तरफ, तो इसको कंट्रोल में कैसे किया जाए इसका प्रैक्टिस भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देख कर जाना। सो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो वीडियो को एक कर देना लाइक, और लाल कलर जो सब्सक्राइब बटन आएगा ना उसको प्रेस करके बाजू वाले जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो अभी बता देता हूँ इस ट्रिक का फ़ायदा क्या है। तो इस ट्रिक का फ़ायदा ये है, तो एनिमी आप पर शूट तो करेगा, गोली तो चलेगा, लेकिन आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एप्पल लैपटॉप भाई भी हमारा ये वाला मूवमेंट कर रहा है, और एनिमी जब ये वाला मूवमेंट करता है तो एप्पल लैपटॉप हमारे को गोली चलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक भी गोली जो है वो एनिमी पर कनेक्ट नहीं हो रहा, इस ट्रिक का फ़ायदा यही है। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपका जो क्राउच बटन है वो हालांकि लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में अगर होगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा इस ट्रिक को करने के लिए। तो लेफ्ट साइड में होगा तो बहुत ही इजी रहेगा और आप बहुत ही फास्ट कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो स्प्रिंट बटन है उसको टैप करना होगा और उसके बाद क्राउच करना होगा और एनिमी के लेफ्ट साइड की तरफ आपके स्क्रीन को घुमाना पड़ेगा, और दोबारा आपको क्राउच बटन में टैप करना होगा, राइट साइड की तरफ अभी जाना है मतलब ओपोजिट डायरेक्शन में, और ये रिपीटेडली करते रहना है। एक चीज ध्यान रखना, आपको सिर्फ लेफ्ट राइट की तरफ ही स्विंग करना है, आप अगर सीधा जाओगे तो बॉडी पे कनेक्ट हो जाएगा, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और स्प्रिंट वाला और क्राउच वाला जितना तेजी से आप कर पाओगे उतना तेजी से करो, और स्क्रीन को भी उतना ही तेजी से घुमाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। और आप जब कर पाओगे ना इसको तेजी से तो आपका मूवमेंट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। सो अभी बता देता हूं कौन सा सिचुएशन में कौन सा टेक्निक एप्पल लैपटॉप यूज करते हैं और आप भी कर सकते हो। एप्पल लैपटॉप के मूवमेंट को मैंने दो भाग में डिवाइड किया है, एक है फेक रशिंग और दूसरा है फेक रन। इन दोनों को एप्पल लैपटॉप कैसे इस्तेमाल करते हैं पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फेक रशिंग। फेक रशिंग एप्पल लैपटॉप कैसे करते हैं आप देख लो। तो ये तो हमारा पीसी हो गया, तो मोबाइल पे हम लोग इजी से कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मान लो ये हमारा कवर है या फिर ग्लोअल है, हमको एनिमी की तरफ स्प्रिंट करना है या फिर रन करना है। रन करने के बाद हमारा क्राउच वाला जो बटन है इसको दो बार क्लिक करना है, दो बार क्लिक करने के बाद हमारा जो जॉयस्टिक है उसको लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में ले जाना है, एनिमी जिस तरफ से निकलेगा आपको लगता है उसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है, और उसके बाद क्लियर विजन बनने के बाद आपको सीधा हेड लगा देना है। बस इतना एक ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। अभी चलते हैं दूसरे नंबर फेक रन। सो फेक रन हमारे एप्पल लैपटॉप भाई कैसे कर लेते हैं आइए पहले देख लेते हैं। इस ट्रिक को करना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले जान लो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये मान लो हमारा कवर है, एनिमी के राइट या फिर लेफ्ट साइड की तरफ आपको स्प्रिंट करना है। स्प्रिंट करने के बाद क्राउच वाले बटन में टैप करना है और थोड़ा सा जॉयस्टिक को पकड़ लेना है, उसके बाद रोटेट करना है अपने स्क्रीन को अपोजिट डायरेक्शन में या फिर कवर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करने के बाद जब आप कवर पे चले जाओ तब आपको जॉयस्टिक को दोबारा पकड़ लेना है, पकड़ के एनिमी की तरफ आपको स्क्रीन को रोटेट करना है, और उसके बाद आपको बस ड्रैग करना है और वापस जॉयस्टिक की मदद से आ जाना है। ये ट्रिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि आप स्टेप बाय स्टेप मेरे हर एक स्टेप फॉलो करने के बाद भी आपका एक प्रॉब्लम तो जरूर दिखाई देगा, वो है गाइस इस ट्रिक को कंट्रोल में लाना। आप जाना चाहोगे एक जगह पे, चले जाओगे किसी और जगह पे। इस ट्रिक को कंट्रोल में लेने के लिए हमारा तीसरा पॉइंट है हाउ टू कंट्रोल एंड परफेक्ट दिस टेक्निक। इस टेक्निक को सीखने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई भी कवर के पीछे आ जाना है, कवर के पीछे आने के बाद आपको रन करना है या फिर स्प्रिंट करना है एनिमी के राइट या फिर लेफ्ट साइड की तरफ। स्प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके राइट साइड के स्क्रीन को ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर कवर की तरफ फिर से मोड़ना है और जाकर वहां पर बैठ जाना है, बस क्राउच करना है, ठीक है। और ये करते रहना है जब तक आपको प्रैक्टिस मतलब फुल आ नहीं जाता, ठीक है। और ये करने के बाद आप जब ये सीख लो तब आपको क्या करना है, जाकर बैठ के उठ के आना है, ठीक है। जैसे मैं अभी कर रहा हूं ना वैसी तरीके से आपको बैठ उठकर आना है दोबारा, मैं हैंड कैम के साथ भी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये वाले टेक्निक्स आप टू फिंगर या फिर थ्री फिंगर भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपने क्राउच वाला बटन कहां पर रखा है। आपको जहां पर आसानी हो आप वहीं पर रख के इसको कर सकते हो, ठीक है। और इस प्रैक्टिस को करने के बाद अगर आपने सीख लिया तो ऐसे से ऐसे बनने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और लाल कलर जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके बाजू वाला जो बेल आइकन आएगा उस पर ऑल पे सेट कर देना हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।